जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरदास। कैसे हैं आप सभी? और ये रही हमारी प्यारी आज प्रिया जू, और यहाँ है हमारी प्यारी श्यामा। आज सभी फूलों में भैया सजे हुए हैं। और यहाँ है प्यारा कन्हैया, और पास से अरे भैया इतना सुंदर ये। और ये रहा राधे, प्यारा प्यारा केशव, और प्यारा गोपाल। और अब मैं आप सबको सुना रही हूँ कल की बहुत सुंदर लीला, ठीक है? हाँ, और अब मैं लीला आपको बताती हूँ। थोड़ा सा दूरी से बनाती हूँ भैया लाला, है ना? थोड़ी दूरी दूरी से बनाते वीडियो, ठीक है? कल की लीला बहुत सुंदर थी। सुबह सुबह का समय है, कान्हा जी मतलब सेविका सोई हुई है, और दरवाज़ा कोई खटखटाता है। वो फटाफट भागकर जाकर देखती है तो बाहर जो है वाइट कलर के वस्त्र जो है पहने हुए, सर पे पगड़ी लगाए हुए और कुछ राजस्थानी टाइप की पगड़ी है, हाथ में डंडा लिए दो व्यक्ति बाहर खड़े हैं दरवाजे पे। और सेविका उनको देखकर बोलती है, कौन है आप? तो वो कहते हैं, नहीं नहीं आप ज़रा उनको बुला दीजिए, बिहारी जी की मैया को। तो वो कह रही, वो तो अभी सो रही है। तो बोले, आप सो ना सकी हैं? बोले, हाँ मैं सो ना सकी हूँ। तो बोले, ये बिहारी जी ने भेजा है और इस पे दस्तखत चाहिए इस पेपर पे। तो बोले, क्या है? बोले, ये रजिस्ट्रेशन है। बोले, किस चीज़ का रजिस्ट्रेशन है? तो बोले कि नहीं नहीं बस आप उनको जगा दीजिए, वो करेंगे। बोले, वो तो अभी सो रही है। तो बोला, कोई बात नहीं, आप उनके घर से हो, आप ही ऐसा करो, ये देख लो आप सखी हैं। तो वो कहते, ठीक है, मुझे पहले पेपर पढ़ना होगा, पता नहीं बिहारी जी और इसमें भैया हमको कहाँ फंसा दें, पता नहीं इस पेपर में क्या लिखा है, तो मुझे पूरा पेपर पढ़ना होगा। तो वो कहते, हाँ हाँ पढ़ लीजिए, लेकिन ऊपर का हिस्सा आप नहीं पढ़ेंगे, वो बाद में उनकी मैया पढ़ लेंगे, आप ये नीचे वाला हिस्सा पढ़ लीजिए। तो वो कहते कि नीचे का हिस्सा क्यों, मुझे पूरा पढ़ के आप सुनाओ, मेरे को बिहारी जी पे विश्वास नहीं है, पता नहीं वो क्या करेंगे। तो वो कह रहे, नहीं नहीं ऊपर का हिस्सा आप नहीं पढ़ सकती हैं, आप सिर्फ नीचे दस्तखत कर दीजिए और ये पढ़ लीजिए। तो उस पर लिखा होता है, मतलब ऊपर नाम है, मतलब नाम डाला हुआ है, और उसमें लिखा हुआ है श्री, मतलब मेरा नाम डाला हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है श्री ठाकुर, और अभी मैं नाम नहीं बताऊंगी, पूरा नाम और बिहारी जी, ठीक है? और ये नाम जगत विख्यात होगा आने वाले समय में, और इसके नीचे आपको दस्तखत करने हैं, यानी कि उस पर बिहारी जी ने जो नामकरण किया है अपना, वो नाम लिखा हुआ है, उनका नामकरण हो गया है और ये उसी का रजिस्ट्रेशन है। तो बोले, ये नाम मतलब क्यों रखा है? उसकी माँ रखने वाली थी ये नाम, ये क्या नाम रखा है बिहारी जी ने? तो वो बोले कि देखिए, नाम माँ नहीं रखती है, माँ जो है नाम नहीं रखती है, ये नाम बुआ रखती है, अगर बुआ नहीं है तो सखी रख सकती है, तो आप रख सकती है। तो बोले, नहीं ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कर रही। तो वो दस्तखत कर देती है, तभी वो कहती कि अरे वो बिहारी जी आने वाले हैं क्या? बोले, हाँ वो आने वाले हैं। तो बोले, उनके पास ना चांदी का सिंहासन नहीं है, तो आप वो चांदी का सिंहासन भी हमको दे के जाओ। तो वो कह रहे, हे भगवान, ये तो बड़ी वो है, हमारे आते ही मांगना शुरू कर दिया। वो कहती, हम लोग चलते हैं। हाँ, तभी वो आपस में बात करते हैं और वो कहते हैं कि पता नहीं बिहारी जी ने ऐसा क्या देखा है जो इस घर में आना चाहते हैं। तो वो अंदर घुस के देखने की चेष्टा करते हैं, लेकिन सेविका उनको अंदर नहीं आने देती और कहती है कि नहीं नहीं अंदर नहीं आ सकते हैं आप, सभी सो रहे हैं अभी। तो बोले, अच्छा अच्छा अच्छा। तो बोले, लेकिन हम तो ना बड़े असमंजस में हैं कि बिहारी जी तुम्हारे घर क्यों आना चाहते हैं। बोले कि आपको इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चांदी का सिंहासन नहीं दे रहे हैं तो हम तो नीचे ही लाला को बिठाएंगे, हमारे पास व्यवस्था नहीं है उनको बिठाने की। तो वो कहने लगे, भैया वो देख लेंगे, उनके भक्त देख लेंगे, मुझे नहीं पता। और ये बात बोल के वो कहते, वैसे हम ना हंस हंस के बहुत पागल हो रहे हैं। बोले, क्यों क्या हुआ? बोले कि बिहारी जी आपके घर आ रहे हैं, उन्होंने तो वृंदावन के नाक में दम कर रखा है, और अब हमें जे सोच सोच के हंसी आ रही है कि तुम्हारे घर है जो आ रहा है, जे नाम तैयार हो है, जे तो बहुत उद्यमी है, भाके बिहारी जी तो उद्यमी है, और 7 साल को बालक है वो,
बोले अच्छा जो हमारे घर आ रहा है वो इतना उद्यमी है? बोले हाँ। तो वो बोले कि मैं फिर उसको सही कर दूंगी। तो बोले नहीं, वो किसी की सुनने वाला नहीं है, वो आपकी भी नहीं सुनेगा, अगर सुनेगा तो सिर्फ अपनी मैया की सुनेगा। बोला उसकी मैया? उसकी मैया को तो डांटना ही नहीं आता है, वो जब डांटना ही नहीं आता उसको तो वो कैसे सुनेगा? बोला नहीं, जैसे ही मैया डंडा उठाएगी ना तो वो अपने आप सुन लेगा, बाकी वो किसी की सुनने वाला नहीं है। और हम तो ये सोच सोच के परेशान है कि इस बिल्डिंग के इतर पुतर क्या करेगा, वो किसी के घर जा जा के, पता नहीं भगवान, हम तो हंस के पागल है। तो वो कहती भगवान इतना उद्यमी है? बोले बहुत उद्यमी है तुम्हारे घर जो आ रहा है। बोले अच्छा इतना उद्यमी है? बोला उसको रोकना पड़ेगा, वो भाग जाएगा, वरना बहुत शरारती बच्चा है। तो बोले कि कैसे रोकेंगे हम? तो सोना बोले हम उसकी ना प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे। बोले प्राण प्रतिष्ठा से तुम उसकी आत्मा थोड़ी रोक लोगे? हाँ मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूँ, जिस दिन उनकी पूजा स्थापना आप करोगे तो सतीय आपको बनाने, लेकिन मैं उनकी संख्या आपको नहीं बता सकती हूँ, ठीक है भक्तों? तो वो कहते हैं कि आपको इतने सतीय चांदी के या सोने के बनवाने होंगे और उनको आपको अपने घर के मेन गेट पे ठुकवाना होगा। तो सही बोली क्या बोल रहे हो, इस घर में आप चांदी सोने के छिकवाओगे तो लोग आके मतलब हमको परेशान कर देंगे। बोले तो चांदी के ठुकवा देना, सोने के ठुकने चाहिए या चांदी के ठुकने चाहिए वो ठुकवा देना, तो बिहारी जी कभी तुम्हारे घर से बाहर प्रवेश नहीं करेंगे, वो सदैव यहीं रहेंगे, भक्तों के प्रेम में भी वो बाहर नहीं जा पाएंगे। बोले अच्छा तो ठीक है। फिर उन्होंने कुछ दहलीज के लिए भी कुछ बताया जो थोड़ा गुप्त है भक्तों, मैं वो नहीं बता सकती क्योंकि ये चीज़ें बताने के लिए मनाही होती है। उन्होंने वो सारी चीज़ें बताई, तो ये सारी चीज़ें। बोले अच्छा तो अब रुक जाएगा? बोले हाँ, वो फिर कभी इस घर की दहलीज को पार नहीं करेगा, लेकिन वो बहुत नटखट है, बहुत ज़्यादा, संभाल के रखना होगा। बोले हाँ हाँ हम संभाल लेंगे उसको। लेकिन से वो जाते जाते ही सेविका बोलती, अरे अरे वो चांदी का सिंहासन तो देते जाओ भैया, हमसे मत कहो, भागो यहाँ से, ये तो पागल लड़की है, हमको फिर पकड़ लेगी, सिंहासन भी मांग लेगी, बिहारी जी अपने आप देख लेंगे, पता ना कहाँ सोच के आ रहे बिहारी जी यहाँ पे। वो ये बोलते हुए बाहर निकल जाते हैं। अब सेविका सोचती है कि पता नहीं लाला भी क्या क्या कर रहा है। तो प्यारे भक्तों, ये कल की लीला थी, प्रभु ने अपना नामकरण भी करवा लिया है। अब नामकरण तो मतलब उसका होगा वही जो हम चाहते हैं अब वो कितनी भी जिद करे। और कल इसी गुस्से में मेरे मुख से एक नाम निकल गया और अब वही नाम घर के सभी लोगों को इतना पसंद आ गया है कि हम वही नाम उसका रखने वाले हैं। और रही बात, बाकी प्रभु की इच्छा रहेगी, अब वो आके लीला में देखो आगे क्या होता है लीला, मुझे नहीं पता है। और वो बहुत जल्दी कर रहा है आने के लिए, तो उसकी जो उसने कहा था कि वो श्री विग्रह के लिए हमसे एक रुपये भी खर्च नहीं करवाएगा, तो ऐसा ही अनुमान चल रहा है और ऐसा ही लग भी रहा है कि कुछ अलग होने वाला है। तो देखिए क्या होता है, क्या भक्त और सब गुप्त है थोड़ा, बस ये समझ लो कि प्रभु की असीम कृपा होगी और प्रभु जैसे भी आएंगे। और ये सत्य है कि वो सच में बहुत नटखट लाला है, उन्होंने बहुत कुछ बताया है कि तुम्हारा वृंदावन का आना जाना भी कम हो जाएगा। प्रभु ने कहा है कि वो स्वयं साक्षात यहाँ आ रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं। और सच कहूँ एक डर भी है कि प्रभु की सेवा कैसे होगी कैसे नहीं, लेकिन जैसा भी होगा, क्योंकि अभी तो वो घर का ही लाला है, क्योंकि मंदिर में और घर में थोड़ा अंतर होता है, और यहाँ पर उसकी सेवा घर की तरह ही होगी। और भीड़ भाड़ वो अभी कुछ भी नहीं करेगा, वो तो आने वाले समय में कैसे क्या होगा मुझे नहीं पता, उसके दर्शनों से ही लोगों का कल्याण होगा, लोगों की विश पूरी होगी। अब प्रभु क्या करेंगे ये तो बाकी प्रभु ही जाने। हम तो बस इसी बात से खुश भी हैं और थोड़ा सा बस ये है कि लाला है, 7 वर्ष का है, तो थोड़ा नटखट तो ज़्यादा ही होगा। और उन्होंने जिस तरह बोला है, वो जय विजय थे जो घर में आए थे और उन्होंने ये संदेश दिया, उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से प्रभु को कोई स्पर्श नहीं कर सकता है, सिर्फ घर के सदस्य ही प्रभु को स्पर्श करेंगे, क्योंकि उसके पीछे का राज भी बताया कि मनुष्य के छूने से प्रभु की शक्ति के साथ साथ प्रभु का जो श्री विग्रह जिन भी धातु में होता है वो खंडित होने, यानी कि उसके चोट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए कभी भी जो भी श्री विग्रह घर में स्थापित किए जाते हैं या मंदिरों में, उनको टच करने के लिए इसीलिए मना किया जाता है, क्योंकि हम बाहरी मनुष्य हैं, पाप से भरे हुए होते हैं, और भगवान को जब हमारा वही पाप लगता है तो प्रभु को चोट लगना शुरू हो जाती है। तो इसी वजह से प्रभु के श्री विग्रह को कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता, चाहे वो घर में हो या बाहर हो। घर के सदस्य इसलिए क्योंकि घर में तो विराजित हैं प्रभु, और प्रभु ने उतना उनको दिया होता है। अब ये बात हमको अब समझ आ रही है, क्योंकि ये सब बताया गया है प्रभु के ही द्वारा। तो प्यारे भक्तों,
प्रभु कब आ जाए मुझे नहीं पता, हम तो खुद इंतज़ार में भी हैं, लेकिन ये सत्य है कि बने वो हमारे द्वारा ही जाएंगे, और लेकिन उनकी लीला के अनुरूप। अब उनका क्या स्वरूप होगा, किस स्वरूप में वो होंगे, ये भी हम नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ जिस प्रकार उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया है तो बिहारी जी ही हैं। अब उनका रूप तो देखिए बदलेगा, क्योंकि सेम तो प्रभु नहीं हो सकते, और अब उन्होंने हमको बोल दिया है कि अब जल्द से जल्द जो है उनको तैयार किया जाए, बस थोड़ा सा इंतज़ार है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो बहुत सारा प्यार आप सबके लिए। राधे राधे, श्री हरिदास।